हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं नमिता कांडपाल और आज हम जा रहे हैं जंगल में किसी से मिलने के लिए। उफ बाप रे, कड़ा घाम होने ही उकाल दो वहां। काक्षी भाई बाटू मिल मिली बाटू आज बाबा खाल डाल है। यो बेटिन में आप ते मूड़ी दिखाऊं सो हमारे गांव दिखाऊं ची। देखे बेटिन हम आया चिन लगभग 1.5-2 किलोमीटर ऐंच एक है हम बोन मा। अब देखो कहते चिन बोन मा जी चीज होते हम जाना चिन जैसे मिलन जाना चिन सो मिल दो ची की ना। दोस्तों आप देख सकते हैं हम कितने नीचे से ऊपर आ चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें क्लियर रास्ता नहीं मिल पाया है, तो हम चलते जा रहे हैं। अरे यार कांडा भी तिना पता नहीं कब भेज ना बीच में। आप रे ये ती ऐ चेगा पर बन जाए फसाओ मोर मा फसाओ ना यार छा देनी बाटो मालो। हां देनी बाटो मालो यार किले मोड़ ना किया था सुए थे उन जो रहते से तो मोड़ जाने में तो बड़ा बाटा मा बड़ी मुश्किल से बीटो मेरे से अली तो मन में क्या बोल रहा तो मैंने बोली क्या चीज यार पाका यह बात नहीं है ना 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 ये भी क्या रोड़ी पड़ी मैं नहीं आया काक्षे ना हम तो ना बोलो ये हम इन चीज़ लोगों में तो जाते जाते हैं चीज़ बोल साया चे बाबा ओ ये गया बोनी बोन आज ने भी सीला बोनो सीमा से ऐ चेक मेरे ख्याल से बोन पछाण को नहीं है ज्यादा ही ऊपर आ गए ज्यादा ही ऊपर आ गए ये कापल ही नहीं दिख रहे बट्टा भी रड़ गए हम ये देखो तो जरा है ये मानसी बट्टा भी रड़ गई फोन पे चलो देखो आज इस चीज को ढूंढ रहे हैं वो मिल पाता है कि नहीं देखते हैं क्या होता है आप भी देखते रहिए। आज हम आ रखे हैं जंगल में किसी की ढूंढ कर रहे हैं देखते हैं कि वो चीज़ हमें मिलती है कि नहीं। काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि हमने उस चीज़ को लेने के लिए जाना है पहले उससे मिलना है काफ़ी एक्साइटेड है हम उस चीज़ से मिलने के लिए सो आपको भी मिलवाएंगे बट अभी तो हम भटक ही रहे हैं हमें खुद पता नहीं चल रहा है कहाँ पे छुपी है क्योंकि जिस चीज़ से मिलने के लिए हमें बेकरारी रहती है वो इतनी आसानी से मिल नहीं पाती है तो पहले हम सर्च कर रहे हैं कि कहाँ है पहले ढूंढ रहे हैं मिलने के बाद हम आपको भी बताएंगे वो हमारी ऐसी चीज़ क्या है जिसके लिए हम इतने बेकरार हैं कि हम कब देखें और कब अपने साथ घर ले करके जाएं। जूते ख्वाजा जाना तो उनको फोन मिला भाई पता नहीं कब मिला बाटो भी रहना था बाटो पहला भी छोड़ आयो यार दूसरा बाटा यहाँ पता ही नहीं चलो कि दूसरा बाटा कुछ हो क्या नहीं नहीं दूसरा बाटा और ना रीजन कारण भी तो सरवाट आनो कुछ हां भला तो सरवाट गोवा दा था तो सरवाट यानी कि हर कोई नई नई चीज को देखना चाहता है और कुछ नया करना चाहता है। आज कुछ नए करने के चक्कर में यानी कि दूसरे रास्ते पे जाने के चक्कर में रास्ता ही भटक गई। तो जब तक हमें किसी चीज़ का पता ना हो कंफर्म हमने उस चीज़ के बारे में जानकारी हासिल ना की हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है कहाँ से जाना है किस प्रकार से हम उस चीज़ को ले सकते हैं तो हम ऐसे ही नहीं जा सकते हैं। जैसे हम लोगों ने आज मिस्टेक की नए रास्ते से हम आए तो हम भटक गए काफ़ी ऊपर पहुँच चुके हैं जहाँ उस चीज़ का नामो निशान भी नहीं है तो हमने अब यहाँ से काफ़ी नीचे डाउन पे उतरना है वहीं पर हमें वो चीज़ मिलेगी। इन लोगों की वजह से रास्ता भटक गए हैं बहुत चढ़ाई इन्होंने चढ़वाई है काफ़ी ऊपर गए पहले काफ़ी धूप भी है बड़ी मुश्किल से छाया पे बैठे हैं तो थोड़ा यहाँ पर रेस्ट करेंगे उसके बाद फिर सर्च ऑपरेशन में निकलते हैं कि कहाँ पर हमारी वो प्यारी सी चीज़ छुपी हुई है जिसके लिए काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे कि हम कब मिलें कैसे मिलें और कैसे करके हम उस चीज़ को अपने साथ ले करके जाएं। हम तो एक्साइटेड हैं साथ में रास्ते में जितने भी लोग मिले सभी कह रहे थे
जाना मिलना और साथ में लेकर के आना, क्योंकि वो लोग भी और हमें भी देना क्योंकि वो लोग उस चीज से मिलने के लिए उतने ही बेकरार हैं जितने हम हैं। तो आप भी सोच रहे होंगे वो चीज है क्या, होने के लिए वो कुछ भी हो सकती है। जंगल में तो क्या चीज नहीं होती, हो सकता है सुअर हो, शेर हो, भालू हो या फिर कुछ और हो। तो आप देखते रहिए वो चीज है क्या। यूं फर्स्ट टाइम इन लोगों के साथ आ रही हूँ, तो आज इनके साथ सफर जारी है मेरा, ठीक है। तो हम फिर से निकलते हैं उस चीज की खोज में जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। ये देख सकते हैं काफी ऊपर हम लोग आए हैं और हमने बहुत नीचे जाना है। हरिया बटा, सही बात। अब हरिया बटा क्या पता मिल जो हम दे जी जी जो इतना बेसब्री से इंतजार छे। यहाँ तो बुझान हो रखा है, बहुत ही ज्यादा कांडे हो रखे हैं और जो डाले हैं वो अच्छे हैं, ठीक है, जाने के लिए अच्छा हो रहा है, बिल्कुल रास्ता भी अच्छा है, एकदम क्लियर है। लेकिन रास्ता भूलने की वजह से काफ़ी दिक्कत हो गई है, बट अभी तो हम रास्ते की ढूंढ में ही हैं। अब आया रास्ता नीचे। क्या मिला, क्या मिला, रास्ता मिल गया, रास्ता मिल गया। देखो सबसे पहली पहली कामयाबी, हमें रास्ता मिल चुका है जिसे हम उस समय से ढूंढ रहे थे। रॉन्ग साइड गए थे, अब राइट साइड आ चुके हैं। जिस चीज का इंतजार था वो हमारे बहुत पास में है अब। हे दिव्या, काशिन का फलो बुनवाला भाई डाल आते, मैं तो कुछ नहीं देख रहा हूँ। आप पाकना ये बाबा, ये आप देख सकते हैं ये सारे कच्चे काफल हैं और इन लोगों ने मुझे कहा काफल पक चुके हैं, तो मैं भी इन लोगों के कहने पे सीधे जंगल में आ गई बिना सोचे समझे। ये देख सकते हैं, ये देखिए काफल पकने का नाम नहीं है। फलों का पेड़ ये है, बट पके हुए का फल कहाँ है। बस ये मिले एक दो। ये देखो ये लेके जाएंगे हम डब्बों में। हाँ कथा दूर जाना जी, मैं तो घर जाऊ बाबा, ये बाबा हिटे हिटे हाँ सुन। अच्छा ये जिन का फल ये रहे का फल, ये देख सकते हैं ये मानसी मेरे को दो का फल दे रही है, यही मिले इसे। दोस्तों हो गई जंगल में, बिल्कुल आज तो बहुत बेइज्जती हो गई, बहुत उदास हो गई। तभी बोलते हैं जिस चीज़ को पाने के लिए जितने बेकरार होते हैं वो चीज़ नहीं मिलती है। आज यही चीज़ हमारे साथ भी हो गई, काफल मिलने थे सारे अभी कच्चे ही हैं, पके नहीं हैं, एक आध काफल पके हैं तो उन्हें तो हम ले ही नहीं सकते और डिब्बे खाली जाएंगे। इतने बड़े बड़े थैले लेकर के आए हैं, ये देख सकते हैं, ये देखो इसके अंदर डिब्बा भी है। हमने कहा पता नहीं कितने पके होंगे। बिल्कुल हमने सोचा पता नहीं कितने होंगे, रास्ते में सबके पास कह के आ रहे थे चलो काफलों के लिए चलो हम तो जा रहे हैं, लोगों ने कह भी दिया था कि अभी नहीं भी, लेकिन तभी तो कहते हैं कि बड़ों की बात को हमें ज़रूर सुनना चाहिए और ज़रूर मानना चाहिए। अब मैं लगी इनकी बातों पे तो देखो क्या हो गया, लेकर के आई थी इतना बड़ा थैला, सबको दूंगी। आप क्या कर घर जाना हो, रुक रुक घर जाना क्या कर घर जा रही तो डबल लिख रही हलवा के वाला काम होगा भाई का भोजन। देखो एक घर जाने बैठ गए, मुझे भी जाना पड़ेगा उदासी के साथ। पूरे जंगल में छान मारा लेकिन सारे कच्चे काफल हैं, पके तो हैं ही नहीं। अब बड़ी मुश्किल से मुझे पता कितने काफल मिले हैं, आधा डिब्बा एक कटोरी
कितने मिले होंगे? ये काफल मुझे मिले हैं। इस साइड अभी काफल नहीं हो रखे हैं, दूसरी साइड हो रखे थे। हम रॉन्ग साइड आ गए, तो अब ऐसे ही इसी उदासी के साथ घर जाना पड़ेगा और इन्हीं काफलों के साथ। बहाना कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिससे घर वालों की डांट ना मिले। या तो बोलेंगे बाघ था वहाँ पर, या बोलेंगे सुअर था वहाँ पर, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। नहीं तो भाई इंसल्ट अलग होगी और डांट अलग पड़ेगी। तो कुछ बहाने के साथ हम घर जाएंगे। कौन बो दो जनियन बहाने का ना ये बान जन भाई। हाँ निराशाजनक सफर कभी नहीं रे भाई, बाप रे। हाँ चंगे रे लो ना, हम पता चलो तो ऐसे बड़े वो कम से कम पता चला तो लिख रही जाना भा। रास्ते में आते आते आप ये फूल देख सकते हैं, मैंने भी फर्स्ट टाइम इन फूलों को देखा है। एकदम गजरे के फूल जैसे लग रहे हैं। क्या करें दोस्तों, बड़ी उदासी के साथ घर जाना पड़ रहा है। आप ये देख सकते हैं, इतने बड़े जंगल को छान मारा लेकिन कहीं भी पके हुए काफल नहीं मिल पाए। अब हम आ गए हैं घर। देखिए सासू जी क्या पूछते हैं। क्या फूल होता है पर मैं नहीं देखे दे। का फल का फल हम लिए आए नहीं चिन सुंगूर में ले अच्छा तू सुंगूर छा हम ता हम उन देगे का भयो दे ना भूल बात है के क्या क्या बना तू खाज दबा का फल नहीं ले आओ ये तो अभी लगा दो के ने ना सच्ची सुंगूर नहीं आजा खा लीजिए मैं तो लेके यार जी का फल नहीं ले आया सच मारे सुंगूर में ले आम थे हम गौरे गए आवाते हैं तुम का हां मेरे मंडी के लिए गड्ढा बजो ये भी नहीं है ये बना इवन चलते चलते आप देख सकते हैं यह हमारे गांव में वैदिक संग्रहालय भवन निर्माण का कार्य चल रहा था, तो आज उसकी छत पड़ रही है। यह हमारी विधायिका सैला रानी रावत जी के सहयोग से पूर्ण हो पा रहा है।